नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आखिर आ गई खुशखबरी। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईपीएफओ पेंशनरों का डेटा बैंक 3 महीने में बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने पेंशनरों का डेटा बैंक ने बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 3 महीने का समय तय किया गया है। प्रदेश भर के पेंशनरों का रिकॉर्ड दिल्ली मुख्यालय भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पेंशनरों को भी सलाह दी गई है कि अपने पीपीओ समेत आश्रितों के नाम 3 महीने में अपडेट करा लें। पेंशन बढ़ाने की संभावना को देखते हुए ये तैयारियाँ की जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये लेटेस्ट लेटर लिखा गया है 25 अप्रैल 2019 को। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सभी ईपीएफओ कार्यालय पेंशनरों का डेटा तैयार कर लें। इसमें पीपीओ नंबर, रिटायर कर्मचारी का पदनाम, उनके आश्रितों का पूरा ब्यौरा, पेंशन की धनराशि कब से और कितनी दी जा रही है, इसकी पूरी जानकारी इस लेटर के माध्यम से मांगी गई है। तो दोस्तों ये थे एक बड़ी अपडेट। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी जरूर आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।